आज हम अपनी आर्ट क्लास में बनाने जा रहे हैं ये सिंपल से क्यूट से बर्ड्स, इनकी एक ड्राइंग बनाएंगे जिसे बनाना है बहुत ही आसान। तो चलिए आइए आज की एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। सिंपल बर्ड्स की एक्टिविटी बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ पे इस तरह से वेव्स बना लेंगे। वेव्स बनाने के बाद यहाँ पे हम एक बर्ड ड्रॉ करेंगे। बर्ड हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे, एक ऊपर से कर्व, अप कर्व और इस तरह से स्लांट। इस कर्व को हम यहाँ से पूरा गोल कर देंगे और यहाँ तक ले जाएंगे, इसको पॉइंट तक ज्वाइन करेंगे और यहाँ पे हम 3 इस तरह से पेटल्स बना लेंगे और ये हमारा एक सिंपल बर्ड बन गया और इसका विंग भी एक हम लीफ की शेप में बना लेंगे। यहाँ पे बर्ड की 2 लेग्स। फिर इसके ऊपर सेम इसी तरह से हम इस तरह से इसके हेड पे 2 लेग्स बनाएंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे सेम हम बर्ड को अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे, यहाँ से कर्व करके ऐसे और फिर इसको ये देखिए इस तरह से हमने गोल कर दिया आगे से और फिर से इसमें इसका विंग भी इसी शेप का और यहाँ पे बीक, आई और फिर इसकी 3 पेटल्स और सेम इसी तरह से हम इसके ऊपर फिर से अब सेम इसी तरह से हम इसके ऊपर भी बना लेंगे। फिर इसकी भी इस तरह से यहाँ पे टेल जो बनाएंगे हमारे सिंपल बर्ड्स बन गए और अब हम इसके सामने यहाँ पे एक फ्लावर बना लेंगे। ये बर्ड्स क्या कर रहे हैं, एक के ऊपर एक चढ़ के यहाँ पे इस फ्लावर तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। सिंपल बर्ड्स बनकर रेडी हैं। अब हम इनको स्केच के साथ आउटलाइनिंग कर लेंगे और फिर इसमें कलर फिल कर लेंगे। ये देखिए हमने इसमें आउटलाइनिंग कर दी है, अब हम इसमें कलर फिल कर लेते हैं। तो कलर फिल करने के लिए हम लेंगे इसमें पिंक कलर, इस बर्ड में हम पिंक कलर कर लेंगे। अब है नेक्स्ट बर्ड, नेक्स्ट बर्ड में हम करेंगे पर्पल कलर। देन नेक्स्ट इसमें हम कर रहे हैं रेड कलर। ये देखिए इसमें भी कलर फिल हो गया। अब हम लेंगे येलो कलर, अब हम इनकी बीक में येलो कलर फिल कर देंगे, उनकी लेग्स में भी। और अब हमारे फ्लावर की टर्न, फ्लावर में हम इसके सेंटर में करेंगे ऑरेंज कलर। और इसकी पेटल्स में येलो। इसकी फ्लावर के स्टेम में कलर करेंगे लाइट ग्रीन। इसके बाद जो हमारा यहाँ पे नीचे जो बॉटम है, इस बॉटम में हम इस तरह से स्क्रिबलिंग कर लेंगे डार्क ग्रीन
और फिर उसके साथ में लाइट की। हमारी सिंपल बर्ड्स की एक्टिविटी बनकर तैयार है और आप भी इस एक्टिविटी को बनाइए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू।